वही कॉमेडियन श्याम रंगीला ने वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद से ही श्याम रंगीला चर्चा में आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करके पूरे देश भर में एक बड़ा नाम बनाने वाले राजस्थान के श्याम रंगीला अब चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, और चुनावी मैदान में किसी आम व्यक्ति के सामने नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वो बनारस से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इस समय श्याम रंगीला हमारे साथ मौजूद है। रंगीला जी, ये इतना बड़ा निर्णय, इतना साहसिक जो निर्णय है, वो कैसे दिमाग में आया? और आपने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया ट्वीट करके, अचानक से पूरे देश भर में आप चर्चाओं में आ गए। बिल्कुल, ये जो है बहुत बढ़िया सोशल मीडिया और बहुत बढ़िया देश के अंदर चल रहा है सिस्टम कि लोग इतने सोशल मीडिया पे तो जागरूक हैं कि चलो एक ट्वीट किया और हमने दावेदारी के लिए हमने कहा कि हम आएंगे, और इतना प्यार इतना सहयोग लोगों से मिला कि हमारा और ज्यादा उत्साह प्रबल हो गया एकदम। तो अब तो जाकर के बिल्कुल तैयारी पूरी है और लोगों का सहयोग मिल रहा है, तो हम जाकर के एकदम चुनाव में ताल ठोकने वाले हैं। चुनाव का ऐलान इसी अंदाज में करेंगे कि मोदी जी कह रहे हैं, भाइयों बहनों मैंने तो पहले ही कहा था कि जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में उनको जवाब देंगे, लेकिन ये श्याम रंगीला तो मेरी भाषा की नकल करते करते मुझे ही बनारस से मुझे मेरी भाषा में जवाब देने के लिए आ रहा है, तो मोदी जी को उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। मैं राजनीति में नहीं आया हूँ, राजनीति में मुझे लाया गया है। लाया ऐसे गया है कि कॉमेडी में राजनीति घुसाई गई। जब 2017 में लाफ्टर चैलेंज कर रहा था, मैं कहाँ राजनीति करता था? मैं अच्छा खासा अपना काम करता, मेरा आता टेलीकास्ट होता एपिसोड, बढ़िया काम चलता मेरा, मैं टीवी में काम करता, मैं मेरी जिंदगी में जो करना चाहता था मैं उसमें खुश रहता। लेकिन उसमें राजनीति आई, बोले ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये हटा दो, ये करना ही नहीं है, इसको निकाल दो। तो मुझे तो लाया गया है ना, मैं फिर मेरा इंटरेस्ट और जागा, मैंने कहा इसमें और देखते हैं क्या हो रहा है, और देखते हैं क्या हो रहा है। तो अब राजनीति के अंदर कॉमेडी होने लगी, कॉमेडी में राजनीति घुसाई, राजनीति में जो राजनीति होनी चाहिए वहां कॉमेडी होने लगी। सूरत में कॉमेडी हो गई, इंदौर में कॉमेडी हो गई, और चंडीगढ़ में सरेआम कॉमेडी होगी, टेलीकास्ट कर दो तो मजा आ जाए, मतलब ऐसी कॉमेडी चल रही है। तो मैंने कहा फिर जब कॉमेडी वहीं हो रही है तो वहीं जाते हैं फिर। श्याम रंगीला का बनारस से क्या ताल्लुकात है, किस तरह का कनेक्शन है? क्योंकि आप लोगों के बीच जाएंगे, उनसे वोट मांगेंगे, तो वो वोट श्याम रंगीला को क्यों दें? क्या कनेक्शन है आपका बनारस से? मेरा लिंक पहले का, आप जैसे मोदी जी के अंदाज में मैं कहूं तो यही लिंक है कि भाइयों बहनों बनारस से तो मेरा पुराना नाता रहा है। मैं बचपन में ठाई के पान बनारस वाला जब गाना सुनता था तो मैं भावुक हो जाया करता था। मुझे लगता था कि कभी बनारस जाऊं और वो पान खा लूं, आज मुझे वो मौका मिल रहा है। तो मैं निकालने को तो बहुत सारे नाते रिश्ते निकाल लूंगा, लेकिन ओरिजिनली मैं बनारस पहली बार जाऊंगा। अच्छा, राहुल गांधी जो है वो आपके बार बार जब आप कॉमेडी करते हैं या कुछ जीवन में निर्णय लेते हैं इस तरीके का, उनका भी देखने को मिलता है। तो अब आपने जब ये बड़ा निर्णय लिया है तो क्या कह रहे हैं राहुल गांधी आपके अंदाज में? राहुल गांधी जी यही कहेंगे, और तो वो क्या ही कहेंगे। राहुल गांधी जी जितना लोग सुनते हैं वो यही कहेंगे, देखिए भैया ये मोदी जी जो है ये बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी सीट पे तो इन्होंने भैया ऐसा कुछ कर दिया है कि हमें समझ नहीं आ रहा कहां से लड़े। लेकिन अब मोदी जी को भी सोचना पड़ेगा भैया, क्योंकि वहां से लड़ रहा है श्याम रंगीला, और श्याम रंगीला लड़ेगा वहीं से मोदी जी लड़ेंगे, तो भैया ऐसा चुनाव होगा, ऐसी टक्कर होगी कि मजा आएगा, और ये मजा पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया लेना चाहती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि जो आपने बड़ा और साहसिक निर्णय लिया है उसमें आप सफल हो। तो श्याम रंगीला जिन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है और पूरे देश और दुनिया में इस समय चर्चा में आ गए हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जाकर उन्होंने लोकसभा सीट से ताल ठोक दी है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ आशुतोष शर्मा। इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है, बता दें आपको क्या